नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं टीवी 20 न्यूज पर अपने क्षेत्रों की ताजा तरीन खबरें। मैं हूं आपके साथ अशोक वर्मा, देखते रहिए टीवी 20 न्यूज, बने रहिए हमारे साथ। अब खबर उत्तर प्रदेश के जनपद आजमगढ़ से है, जहां के सरायमेर थाना क्षेत्र के अंतर्गत पुलिस चौकी से पश्चिम साइड मुख्य मार्ग पर जमीनी विवाद में विवाद हुआ। मोहम्मद जिसान पुत्र अशफाक अहमद दीवानी पर मुकदमा विचाराधीन है। फिर भी दूसरे पक्ष के मोहम्मद अकरम अब्दुल्ला, अब्दुल हमीद पप्पू, मोहम्मद गुड्डू अब्दुल अलील, जो जिसान की जगह है, जबरन कब्जा कर रहे हैं। मना करने पर मारपीट करने पर उतारू हो जा रहे हैं, जिसमें मोहम्मद इब्राहिम पुत्र अशफाक अहमद को मारे पीटे भी हैं और उनका मोबाइल भी तोड़ दिए हैं। उस समय डायल 100 पर कॉल किया गया था। घटना की सूचना लिखित रूप से थाने में दिया गया था, जिससे अभी तक मोहम्मद इब्राहिम पुत्र अशफाक अहमद का कोई सुनवाई नहीं हुआ है। जबरदस्ती लकड़ी गिरा रहे थे अवैध तरीके से, और इसमें मुकदमा चल रहा दीवानी में। हम लोग इससे पहले गेट लगा रहे थे तब भी हम लोग रोके, पेड़ काटे तब भी हम लोग रोके, फिर उसके बाद हम थाने में कंप्लेन दिए, सब कुछ नहीं कार्रवाई हुई है, और मारे भी हैं, 100 नंबर भी आई है, थाने की भी गाड़ी आई, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। अच्छा, आपने थाने में कुछ दिया है एप्लीकेशन वोशन? कल भी दिए हैं, परसों भी गए थे थाने में, मगर कुछ नहीं कार्रवाई, 100 नंबर भी आई है, कुछ नहीं कार्रवाई हुई है। अच्छा, ये जो जमीन है आपका, आपके पिताजी के नाम पे है, कैसे क्या मामला है? मेरे पिताजी के नाम थी, मगर इन लोग अवैध तरीके से बैनामा कराए थे। अच्छा, कौन कौन बैनामे में शामिल है जो आपके विपक्षी लोग हैं? मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अकरम, अब्दुल हमीद और मोहम्मद अब्दुल हमीद अहमद, इन लोग जबरदस्ती फर्जी बैनामे लिखाए हैं, और इन लोगों ने धमका वमका के लिखवा, क्योंकि मेरे पिताजी का हार्ट अटैक भी हो गया अभी जल्दी है, और हम लोग यहाँ दीवाने के लिए हर जगह केस पे, कुछ नहीं कार्रवाई हुई। आपको कल मारा पीटा भी गया है? और इससे पहले सर घर में से 11 बजे रात को हम लोग को निकाला गया है, 1 बजे रात तक हम थाने में रहे, मगर थाने वाले कोई नहीं कार्रवाई किया, और मेरा मोबाइल भी तोड़े फोड़े थे। सर, आपको चोट भी लगी है? चोट भी लगी है सर, मेरे यहाँ देखिए चोट भी लगी है, और इधर भी, और जमीन में घसीट दिए थे सब लोग, जनता बहुत थी, मगर कोई नहीं छुड़ाने आया, क्योंकि सब लोग देख रहे थे, टाटा सोम थाने की गाड़ी भी खड़ी थी, पत्रकार भी आए, फोटो खींच ले गए, मगर कुछ नहीं कार्रवाई हुई।